Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप लोग? हैरियत से ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माई न्यू वीडियो जी। आज की वीडियो में बात करेंगे लाइफ इन द यूके टेस्ट 2024। जो 2024 में लाइफ इन द यूके टेस्ट कैसे रेडी करना है, 2024 में क्या चेंजेस आई हैं, 2024 में अगर ऐप से तैयारी करनी है तो लाइफ इन द यूके के टेस्ट की ऐप कहां से लेनी है, जो ऐप है आप जो बाय करनी है वो कितने की है या कितने की अभी होने जा रही है, जो अगर आपने बुक लेनी है लाइफ इन द यूके टेस्ट की, अगर बुक से तैयारी करनी है तो वो कहां से खरीदनी है, अगर आपने जो मैं बताता हूं लिंक से तैयार करें वो लिंक कहां से लेना है, उस लिंक में अभी क्या चेंज आया है, आगे एग्जाम कितने थे अभी एग्जाम कितने हो गए हैं, आगे सवाल कितने थे अभी कितने सवाल हो गए हैं। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ इन द यूके टेस्ट जो है वो कहां से बुक कहां से करना है, उसकी फीस कितनी है। तो लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने गूगल पर जाना है, वहां लिखना है लाइफ इन द यूके टेस्ट बुकिंग, ठीक हो गया जी। आपने वहां क्लिक करना है, वहां govit.uk के लिंक से आपने, गूगल गवर्नमेंट के लिंक से आपने, ग्रीन कलर का होगा, वहां से आपने टेस्ट लेना है, वहां से आपने टेस्ट बुक करना है। वहां पे जाना है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। इंफॉर्मेशन डालने के बाद, अच्छा यहां पे एक मैं आपको बात बता दूं, काफी ज्यादा लोग होते हैं जो लाइफ इन द यूके टेस्ट बुक करते हैं, उनके लिए आगे वो सवाल आ जाता है कि सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है या ILR के लिए अप्लाई करना है। तो जो लोग ILR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां आपने ILR के लिए क्लिक करना है, और जो लोग ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों की ऑलरेडी इंडेफिनेट होती है, ILR ऑलरेडी होती है, तो उन्होंने फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है। तो ये हो गया जी आपने बुक कहां से करना है लाइफ इन द यूके टेस्ट। अब आ गया जी अभी तक, आज 22 मार्च है तो इसकी फीस कितनी है, तो आज तक अभी तक इसकी फीस 2024 में भी उतनी है, £50 ही है, £50 आपने फीस पे करनी है। आपने govit.uk से टेस्ट बुक करके आपने अपने टेस्ट की डेट लेनी है, ठीक है। आपको ईमेल आ जाती है, कंफर्मेशन आ जाती है कि फलानी जगह आपका, फलां जगह आपका, फलां लाइफ इन द यूके टेस्ट बुक हो गया। अब आ जाता है यहां पे कि आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट जब जाना है तो टेस्ट कैसे होगा, आगे मैं बताता हूं कि ऐप, किताब जो बुक है आप, और आपका लिंक कैसे आपने टेस्ट करना है। जब आपने अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट के लिए जाना है तो जिस आईडी से, जैसे आपने पासपोर्ट से टेस्ट बुक किया या अपना जो BRB कार्ड है उससे टेस्ट बुक किया, वो लाजमी साथ लेकर जानी है, और अपनी ईमेल जो अपना फोन है वो लाजमी साथ लेकर जाना है। जब आप अपना टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपको वो बुलाएंगे कि आपका आज क्या है, तो आपने बताना है कि मेरा लाइफ इन द यूके टेस्ट है आज, तो वो टेबल वाला बंदा बैठा होगा, आपको बोलेगा कि अपनी आईडी दो। आपने अपनी आईडी देनी है जिस आईडी से टेस्ट बुक किया है, तो वो बोलेगा आपको बैठ जाओ, तो आप अपनी आईडी दे के बैठ जाओगे। फिर आपको वो बोलेगा कि लॉकर एक देगा कि अपना सारा जो सिस्टर है या कोई भी है, अपना सारा पर्स वगैरह, अपना फोन, एवरीथिंग जो कुछ भी है, अपना सारा कीज वगैरह लॉकर में डाल के बंद कर दो। लॉकर बंद करके आपने कीज सिर्फ अपने पास रख लेनी है, ठीक हो गया। जब आपने टेस्ट देने के लिए जाना है तो फर्स्ट रूम में जब आप जाओगे तो फर्स्ट रूम में फिर दोबारा वो आपसे आईडी मांगेगा, ठीक है, और एक माइक लगा होगा, माइक के सामने आपको बिठाएगा, आपकी वॉइस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा? 1 to 10 आपकी गिनती रिकॉर्ड करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां तक आपने आराम से बोल देना है, ठीक है। ये जब आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी तो आपको वो बोलेगा ठीक है आप अपनी आईडी ले लो, फिर आपने अगले रूम में आपको वो भेज देगा। अगले रूम में अगर फीमेल है तो फीमेल उसकी चेकिंग करेगी, उसके कान चेक करेगी, बाल चेक करेगी। एक सिस्टर पीछे टेस्ट देने के लिए गई, उसने बताया जी सख्ती बहुत हो गई है, आप बाजू भी चेक करते हैं, कुछ कहीं कुछ लिखा तो नहीं हुआ, बाल भी क्योंकि ज्यादा लंबे होते हैं फीमेल के, वो चेक करती हैं, कि डिवाइस चेक करते हैं, ठीक है, आपको सारा प्रॉपर चेक करके फिर आपको बोलते हैं ठीक है आप टेस्ट देने के लिए रेडी हो जाओ। जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो तो एक रूम होता है, ठीक है, एक रूम में इस तरह कंप्यूटर पड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह लाइन वाइज कंप्यूटर पड़े होते हैं, तो एक एग्जामिनर मिडल में खड़ा होता है, बाकी आपको वो सारे जो एग्जाम देने के लिए आए होते हैं वो अपना टेस्ट दे रहे होते हैं। आपने रूम में जाना है, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आप खामोश रहें, आपकी वो सीट है, आपको बता दे वो सीट है या वो सीट है, आप जाके अपना कंप्यूटर पर बैठ जाएं।
अगर आपने कोई भी हेल्प लेनी है एग्जामिनर से, तो आपने हाथ खड़ा करना है कि ठीक है कि मुझे हेल्प चाहिए। जब आपने कंप्यूटर के सामने बैठना है टेस्ट देने के लिए, तो जो पहला सवाल होगा आपको वो बताएगा एग्जामिनर कि पहला सवाल आपका एग्जाम्पल है। पहला सवाल जो होगा आपका टेस्ट अकाउंट नहीं है। 24 सवाल होंगे, 24 में से 18 वाला पास होता है, ठीक है जी। अभी भी आज भी वही रूल है 22 मार्च 2024 तक के, जो 24 में से 18 वाला पास है। जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो माउस को क्लिक करना है, तो आपने जाना है, तो वहां पे पहला सवाल होगा, नीचे चार ऑप्शन होंगे, क्लिक करेंगे तो सवाल आगे चला जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाना। जो नेक्स्ट 24 सवाल होंगे उसमें से वो 18 वाला पास होगा। जब आप वो इम्तिहान अपना क्लियर कर चुकोगे, एग्जामिनर को आपको बताना है। 30 मिनट टाइम होता है, आधा घंटा टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है टेस्ट की, टोटल टेस्ट का आधा घंटा टाइम होता है कि आधे घंटे में आपने 24 में से 18 सवाल पास करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी, आपको मैंने सारा बता दिया कि टेस्ट कहां से बुक करना है, उसकी फीस कितनी है, टेस्ट सेंटर में क्या लेके जाना है, कौन सी आईडी लेके जानी है, टेस्ट सेंटर में आपकी चेकिंग कैसे होगी, टेस्ट सेंटर में पहला सवाल होगा कैसे। अब आ जाते हैं जी टेस्ट रेडी कैसे करना है 2024 में भी, क्योंकि वो कह रहे हैं जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में चेंजिंग होने जा रही है। अभी तक तो कोई चेंजिंग नहीं, अभी तक तो सेम ही है, ठीक है। अप्रैल की जो अपडेट आएगी 2024 की, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले तीन तरीके होते हैं जी लाइफ इन द यूके टेस्ट रेडी करने के लिए। एक तरीका होता है जी, आप ऐप बाय कर सकते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट ऐप। आप गूगल क्रोम पे जाएं, या आप आईफोन है तो आईफोन के एप्स में जाएं, लिखें लाइफ इन द यूके टेस्ट, वहां पे ऐप आ जाएगी। 5 पाउंड की होगी, या 7 पाउंड, या 8 पाउंड, या 10 पाउंड, जितने की भी होगी आपको खरीदनी पड़ेगी। उसमें तकरीबन 700-750 सवाल होते हैं, ठीक है। वो भी आपको वही होता है कि पहला सवाल होता है, ऑडियो भी सुन सकते हो, और नीचे चार ऑप्शन होते हैं, वो आपको बताता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। अभी तक आपने जो भी ऐप खरीदनी है या खरीदी है, वही आजकल भी वही चल रही है, लाइफ इन द यूके टेस्ट ऐप, कोई चेंजिंग नहीं हुई। आगे आ जाता है जी लाइफ इन द यूके टेस्ट सेकंड तरीका, कि बुक कहां से खरीदनी है, लाइफ इन द यूके टेस्ट की बुक कैसे होती है। एक तरीका यह भी है कि जब आप अपना टेस्ट बुक करते हैं ना, वहां से डायरेक्टली आप अपनी बुक बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वो बुक पहले, अभी 2024 से चल रहा होगा, पिछले साल वाली 2023 था, अभी 2024 आ गया है, ठीक है। वो बुक पे लिखा होता है सारा, उसमें वो पढ़ के फिर आपने सारी पढ़नी होती है, उसमें फिर आपको समझ आ जाती है। जो लोग तो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, बाय करें। उसकी जो आप बाय करने की कीमत थी 10 पाउंड थी, ठीक है। वो आपको अगर आप किसी स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो डब्ल्यू एच स्मिथ स्टोर से भी आप अपनी लाइफ इन द यूके टेस्ट की बुक खरीद सकते हैं 10 पाउंड। उसके पहले भी 10 पाउंड थी फीस, अभी भी 10 पाउंड में वो आप बाय कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी लाइफ इन द यूके टेस्ट जिससे मैं पास हुआ हूं, जिससे पिछले सारे मेरे सब्सक्राइबर्स पास हुए हैं। कितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, पिछली वीडियो में शायद आपने देखा होगा कितने ज्यादा कमेंट है कि जो लाइफ इन द यूके टेस्ट पास हो गए हैं। तो वो जो लिंक मैं बताता हूं, जिस लिंक से मैं बताता हूं, पहले जो लिंक मैं शेयर करता हूं जिससे मैं पास हुआ हूं, वो बहुत इजी लिंक है। उसमें एग्जाम थे पहले 1 to 16, अभी जो 2024 है उसमें एक और एग्जाम ऐड हो गया, अभी हो गया 1 to 17 एग्जाम। अच्छा, कुछ ऐसा भी होता है, अभी दो सिस्टर्स, एक दो दिन पहले फेल हुई है, एक उससे पहले फेल हुई है, कि लाइफ इन द यूके टेस्ट मैंने लिंक से तैयार किया है, मैं फेल हो गई हूं। तो 100 बंदा है, 100 में से अगर 2-3 भी फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि हो सकता है आपकी तैयारी में कमी हो सकता है, क्योंकि सम टाइम आप सवाल देखते हो, जवाब देखते हो, सम टाइम जवाब जो है वो सवाल बन जाता है, और जो अपना सवाल है वो जवाब बन जाता है। तो इस तरह आपको वो कंफ्यूज करते हैं, आपको टेस्ट देके देना पड़ता है। एक सिस्टर थी, उसने मुझे मैसेज किया, भाई मेरा 3 दिन पास टेस्ट है, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैंने उसे लिंक शेयर किया, फर्स्ट टाइम में वो पास होगी। जो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करें, मैं इंस्टाग्राम आपको शेयर कर देता हूं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी, और यहां भी, यहां स्क्रीन पे कहीं लिखा हुआ आ रहा होगा। आप इंस्टाग्राम पे आए, मुझे मैसेज करें। मैं अभी हॉलीडेज पे हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोज बना रहा हूं, क्योंकि आज भी मुझे काफी ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, फोन कॉल की, मैं अपना टाइम दे रहा हूं।
लेकिन आप में से कोई भी बंदा समझ नहीं रहा कि यार ये टाइम दे रहा है। सिर्फ एक बंदे ने पूरी मेरी YouTube की हिस्ट्री में मुझे बोला कि उमर भाई आप अपना अकाउंट सेंड करें, मैं आपको, मेरी वाइफ पास हो गई, मैं आपको 20 pounds सेंड करता हूं। बाकी मैंने जो गाइडलाइन दी है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, टाइम किया, मैंने उन्हें 10, 15, 25, 20 pounds चार्ज किए हैं। लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि फ्री में ही मेरा काम हो जाए। आपको समझना चाहिए कि बंदा एक हॉलीडेज पे गया है, उसकी फैमिली है, सारा कुछ है। मैं आपको अभी मिसाल देता हूं, यहां की मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कुछ एडवाइस लेनी थी। उसने कहा जी 1300 rupees आप पहले जमा करवाए ना, फिर मुझसे आके एडवाइस लें। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, मुझे कॉल करते हो, मैं सारा आपको जवाब भी देता हूं, आपकी कॉल भी सुनता हूं, बताता भी हूं, आपको गाइड भी करता हूं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि यार ये बंदा टाइम दे रहा है, कम से कम इसके 15, 20 pounds, 25 pounds से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। आप सोलिस्टर को 500 pounds दे रहे हो, आप इनडेफिनेट के लिए 4000 pounds दे रहे हो, आप लाइफ इन द यूके के टेस्ट के लिए 50 pounds दे रहे हो, आप B1 टेस्ट के लिए 150 pounds दे रहे हो, तो आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए यार, कम से कम ये इतना टाइम दे रहा है तो इसके टाइम देने के, इसके गाइड करने के, एक्सपीरियंस शेयर करने के इतने तो बनते ही हैं। कम से कम यार इसे 20, 25 pounds, 15 pounds तो दे दें, इसको कम से कम अप्रिशिएट तो कर दें ताकि ये अच्छा काम और करे। तो जो मैं लिंक के बारे में बताता था कि लिंक किसी को भी चाहिए, इंस्टाग्राम पे आओ, लिंक शेयर कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि यार इसके 15, 20 pounds, 25 pounds बनते हैं, हम लोग फ्री में ही से टाइम ले रहे हैं, फ्री में ही सारी वीडियो इसकी सारी देख रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, पास होके इनडेफिनेट भी ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया जी कि लाइफ इन द यूके टेस्ट बुक कहां से करना है, आईडी कौन सी लगेगी, उसकी फीस कितनी है, टेस्ट कैसे होगा, किससे रेडी करना है। तो उम्मीद करता हूं आज आपकी वीडियो, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और उम्मीद करता हूं जो मैंने एंड में बात किया है कि जो मेरा टाइम है, मैं पाकिस्तान आया हूं, मेरा टाइम लेते हो आप, गाइड लेते हो आप अपना, किसी, आजकल क्या चीज फ्री मिलती है, आपको खुद पता होना चाहिए क्या चीज, कुछ भी नहीं फ्री मिलता। लेकिन फिर भी मैंने फ्री में कितने लोगों को, मतलब सारे लोग जितने भी मैंने पास करवाए हैं, कोशिश की है, गाइड किया है, पास हुए हैं, सब फ्री हुए हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।